दादा साहब फाल्के का पूरा नाम ढूंढीराज गोविंद फाल्के है। दादा साहब का जन्म महाराष्ट्र के नासिक शहर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बाबा भोलेनाथ की नगरी त्र्यंबकेश्वर में 30 अप्रैल 1870 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्राध्यापक थे। इस कारण दादा साहब की शिक्षा दीक्षा मुंबई में ही हुई। 25 दिसंबर 1891 की बात है, मुंबई में अमेरिका इंडिया थिएटर में एक विदेशी मूक चलचित्र लाइफ ऑफ क्राइस्ट दिखाया जा रहा था और दादा साहब भी यह चलचित्र देख रहे थे। चलचित्र देखते समय दादा साहब को प्रभु ईसा मसीह के स्थान पर कृष्ण, राम, समर्थ गुरु रामदास, शिवाजी, संत तुकाराम इत्यादि महान विभूतियां दिखाई दे रही थी। उन्होंने सोचा क्यों नहीं चलचित्र के माध्यम से भारतीय महान विभूतियों के चरित्र को चित्रित किया जाए। उन्होंने इस चलचित्र को कई बार देखा और फिर क्या, उनके हृदय से चलचित्र निर्माण का अंकुर फूट पड़ा। उनमें चलचित्र निर्माण की ललक इतनी बढ़ गई कि उन्होंने चलचित्र निर्माण संबंधित कई पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन किया और कैमरा लेकर चित्र खींचना भी शुरू कर दिया। जब दादा साहब ने चलचित्र निर्माण में अपना ठोस कदम रखा तो इन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे तैसे कुछ पैसों की व्यवस्था कर चलचित्र निर्माण संबंधित उपकरणों को खरीदने के लिए दादा साहब लंदन पहुंचे। उन्होंने वहां बाइस्कोप सीने साप्ताहिक के संपादक की मदद से कुछ चलचित्र निर्माण संबंधित उपकरण खरीदे और 1912 के अप्रैल माह में वापस मुंबई आ गए। उन्होंने दादर में अपना स्टूडियो बनाया और फाल्के फिल्म के नाम से अपनी संस्था स्थापित की। 8 महीने की कठोर साधना के बाद दादा साहब के द्वारा पहली मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण हुआ। इस चलचित्र के निर्माता, लेखक, कैमरामैन इत्यादि सब कुछ दादा साहब ही थे। इस फिल्म में काम करने के लिए कोई स्त्री तैयार नहीं हुई, अतः लाचार होकर तारामती की भूमिका के लिए एक पुरुष पात्र ही चुना गया। इस चलचित्र में दादा साहब स्वयं नायक हरिश्चंद्र बने और रोहिताश्व की भूमिका उनके 7 वर्षीय पुत्र भालचंद्र फाल्के ने निभाई। यह चलचित्र सर्वप्रथम दिसंबर 1912 में कोरोनेशन थिएटर में प्रदर्शित किया गया। इस चलचित्र के बाद दादा साहब ने 2 और पौराणिक फिल्में भस्मासुर मोहिनी और सावित्री बनाई। 1915 में अपनी इन 3 फिल्मों के कारण दादा साहब विदेश चले गए। लंदन में इन फिल्मों को बहुत प्रशंसा मिली। कोल्हापुर नरेश के आग्रह पर 1937 में दादा साहब ने अपनी पहली और अंतिम सवाक फिल्म गंगावतरण बनाई। दादा साहब ने कुल 125 फिल्मों का निर्माण किया। 16 फरवरी 1944 को 74 वर्षीय अवस्था में पवित्र तीर्थस्थल नासिक में भारतीय चलचित्र जगत का यह अनुपम सूर्य सदा के लिए अस्त हो गया। भारत सरकार उनकी स्मृति में प्रति वर्ष चलचित्र जगत के किसी विशिष्ट व्यक्ति को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करती है। तो दोस्तों, यह थी दादा साहब फाल्के की जीवनी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। दिल से देशी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।